साधारण कागज के ऊपर आवेदन करके हाथों हाथ कार्य स्वीकृति हेतु सेंक्शन प्राप्ति का कार्य विकासखंड कार्यालय सुजानपुर में शुरू हो गया है। खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा की योजना लोगों को खूब पसंद आ रही है। ग्रामीण साधारण कागज के ऊपर निर्माण कार्य के लिए आवेदन कर रही हैं और विभाग द्वारा कार्य की स्वीकृति करने के बाद हाथों हाथ सेंक्शन की कॉपी भी आवेदनकर्ता को उपलब्ध करवाई जा रही है। बताते चले कि खंड विकास अधिकारी सुजानपुर ने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा था कि अगर कोई अपनी मलकियत भूमि पर किसी भी तरह का कोई कार्य करवाना चाहता है तो इसके लिए सीधे लोग उनके कार्यालय में आकर साधारण कागज के ऊपर आवेदन करके उस कार्य को करवा सकते हैं। अधिकारी ने दावा करते हुए कहा था कि आवेदन के कुछ समय बाद ही उस कार्य को स्वीकृत करके सैंक्शन के कागज आवेदनकर्ता को दे दिए जाएंगे। उनके द्वारा किया गया दावा अब धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। इसी क्रम में मंगलवार को विकासखंड सुजानपुर की पंचायत री के वीर सिंह पुत्र रोशन लाल ने अपने कच्चे मकान की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार लगाने के लिए साधारण कागज के ऊपर प्रातः 11 बजे आवेदन किया। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद 1 बजे सेक्शन प्राप्ति का पत्र खंड विकास अधिकारी ने उनके हाथों में थमा दिया है। वीर सिंह ने बताया कि खंड विकास अधिकारी द्वारा चलाई गई योजना साधारण कागज पर आवेदन करे काम शुरू करवाए, समाचार पत्र और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली थी, उसी आधार पर आवेदन करने के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सोमवार को पहुंचे थे। यहां पर आकर 2 घंटे के भीतर कार्य शुरू करवाने की स्वीकृति मिली है, जो एक सपना पूरा होने वाली बात है। पहले सबसे पहले आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जितना हमारे सुजानपुर के मीडिया के हमारे साथी हैं, कि जो हमने प्रयास एक शुरुआत की थी आप लोगों ने उसको जन जन तक पहुँचाया है और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास श्री वीर सिंह जी आज यहाँ पर आए हैं, जो कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति भी हैं और इन्होंने इनके घर के पास शायद कोई समस्या होगी, इनका डंगा कोई गिर गया होगा बरसात में, तो ये अपनी दरख्वास्त लेकर के साधारण कागज पे लेकर के थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। तो हमने जो है अभी इनको इनका स्वीकृति पत्र तैयार कर लिया है और इन्होंने जो है इस डंगे से संबंधित अपने भूमि संबंधित दस्तावेज जैसे ग्राम पंचायत में डिपॉजिट करते हैं और उसके साथ ही इसका एस्टिमेट वगैरह बना करके जल्दी से जल्दी इनका कार्य शुरू कर दिया, इनकी घर की सुरक्षा का प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा। ये योजना जो है माननीय हमारी जो सरकार है, सरकार के माध्यम से ये योजना चली है और कोरोना काल में लोगों को विशेष रूप से लाभ देने के लिए सरकार का एक प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति आवेदन कर ले और खंड विकास अधिकारी कार्यालय से जो है उसको सीधे तौर से बेनिफिट मिले और सबको अपनी निजी भूमि पर लोग कार्य भी करें, इससे पैसा भी कमाएँ प्लस स्थायी आय के स्रोत भी तैयार हैं। इसी दिशा में प्रयास हमने किया है और आशा करते हैं कि यह प्रयास सफल साबित होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस योजना का। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुजानपुर से सरिता राणा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।